नारों की गूंज में अब मैं कायद इब्ने कायद, फकीर इब्ने फकीर, फजीलत शेख हजरतुल अल्लाम मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो इस वक्त ऑनलाइन खिताब करेंगे, मैं आपके नारों की गूंज में उनको वेलकम करने जा रहा हूं। मेरे साथ अपने पूरे जोर ईमानी और गले के जोर के साथ नारा लगाए, नारा तकबीर। नहीं नहीं, मुझसे तेज आवाज निकालो, नारा तकबीर। अस्मत सहाबा, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, अस्मत सहाबा पे जान भी कुर्बान है। फजीलत शेख मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर, ये लेने। आवाज बढ़ाएं भाई, ये छोटे वाले, ये आवाज ले आओ ना। जी जी शेख, ये ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सआदत और एहसास की बात है कि आज अल्लाह ताला के फजल व करम से आदिल हदीस के तबीब उशान इज्तिमा, जिसमें बीसियों की तादाद में जय्यद उलमा और हजारों की तादाद में मुहिब्बान सहाबा मौजूद है, मैं अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के सामने होश गुजार करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ताला के फजल व करम से उम्मत मुस्लिमा का ये वादे अकीदा है, अल्लाह तबारक व ताला ने रूह जमीन के सबसे तलंग मुकाम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है, और हमारा ये भी अकीदा है कि जिस चीज की निस्बत आपके साथ है उसका भी मुकाम इंतहाई बुलंद है। चुनाचे हमारा ये अकीदा है कि हजरत रसूलुल्लाह का मक्का आता, आपका मदीना आता और आपका अहद आता है, खुद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर का ऐलान फरमा दिया, अगर हमारे रहनुमाई हासिल करते हैं तो उसकी वजह यह है कि उन जलायों से अब तक मुंतकिल हुआ है जिनकी सदाकत में, जिनकी इमानत और खैरत में, जिनके हिफ्ज में, जिनके तकवा में, जिनकी इस्लामियत में किसी किस्म का कोई शक नहीं। मैं इस मौके पर इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि बात को आज सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की हुर्मत पे हमला करके और उनकी तकफीर करके जो मुआशरे के अंदर इंतजार फैलाना चाहते हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से दीगर मसालिक के ताबरीन के साथ साथ उलमाए अहले हदीस उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा ये मौका बचत और वादे है कि मुल्क के अंदर फिरका वराना हम हमी को बरकरार रखने के लिए और मुल्क को फसाद से बचाने के लिए अजमत सहाबा के पास किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता, मजहबी आजादी का कोई तस्वुर ऐसा नहीं और मजहबी रुझानात को वादे करने का कोई नजरिया ऐसा नहीं जिसके अंदर मुकदसात की तो हीन की इजाजत हो। अगर हम तहरीकों के तकादुम को रोकने के लिए हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन को रोकने की बात करते हैं तो मसालिक के दरमियान कशीदगी और फिरका वराना मुनाफरत को रोकने के लिए हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की भी इज्जत करना होगी। चुनांचे हमारा मौका बिल्कुल वादे है, हजरत सिद्दीक की अजमत पर, हजरत फारूक की अजमत पर, हजरत उस्मान व अली, हजरत हसनैन करीमैन और हजरत अमीर मुआविया रिज़वानुल्लाहि अजमईन की अजमत के ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता। पंजाब असेंबली के अंदर जो तहफ्फुज़े बुनियादी इस्तेमाल बिल को पेश किया गया था उसका भी बुनियादी तौर पर यही मकसद था कि मुल्क के अंदर फिरका वराना हम हमी को बरकरार रखा जाए। मैं उलमाए अहले हदीस के इस जमात के अंदर अहले हदीस जमात के सामने इस बात को बरमदा तौर पर बयान करना चाहता हूँ कि यही रास्ता हम तहफ्फुज़े बुनियादी इस्तेमाल बिल को फकत पंजाब के अंदर राज नहीं करवाएंगे बल्कि पूरे मुल्क में इसको कानून बना के छोड़ेंगे। मुझे ये बात बताइए क्या अपना मुझसे सहाबा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, हाथों से हाथ मिलाकर
आवाज से आवाज मिलाकर मैदान पर जाने के लिए तैयार है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या आप उलमा को साथ देने के लिए तैयार है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या आप जो है हजरत हजरत साहब इकराम ने दुआ अल्लाह ने मजमाइन दी और